सो हेलो माय टेडएक्स यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोगों का एक नए और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। आज हम आप लोगों को बताएंगे 7 गोल्डन रूल्स, अगर आप इनको फॉलो करते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और आपका जितना भी लॉसेस हो रहा है लॉसेस होना बंद हो जाएगा और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। सो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर फर्स्ट की, सो पहला रूल हमारा जो है वो हमको सबसे पहले अपना एक स्ट्रेटजी जो है, अपना एक सेटअप जो है बनाना है। सेटअप का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 4-5 पीसी लगवा लो और बढ़िया सा रूम बनवा लो, उसका मतलब ये नहीं है। सेटअप का मेरे कहने का मतलब है आप एक अच्छा सा सेटअप आप मार्केट में बनाओ, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाओ और आप उसी सेटअप पे उसी स्ट्रेटजी पर ही काम करो। बिना अपने सेटअप के, बिना किसी स्ट्रेटजी के आपको काम नहीं करना है कि आप कोई भी ट्रेड पाएं, उल्टा सीधा उठा लिया ट्रेड और जो है आप ट्रेडिंग करने लगे। सबसे पहले आप अपना एक सेटअप बनाइए, आपको उसी सेटअप पे ही काम करना है, चाहे वो सेटअप आपका दिन में एक बार बने, दो बार बने, चाहे हफ्ते में एक बार बने, चाहे महीने में एक बार बने, आपको अपने सेटअप पे ही काम करना है। बिना सेटअप के आपको जो काम नहीं करना है। सबसे पहला रूल नंबर यही है। सो ट्रेडर्स, जो हमारा दूसरा रूल है वो ये है कि बिना हमको जो है अपना एंट्री एसएल और टारगेट डिसाइड किए बिना जो है ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले हमको ये देखना है हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है। अगर मेरा 20 पॉइंट का एसएल जाएगा तो हमारा इतने लॉट में कितने का लॉस जाएगा, ये आपको देख लेना है। आपका एंट्री जहाँ पे है वहीं पे एंट्री करिए। आपको अपना टारगेट डिसाइड कर लेना है कि हमको यहीं तक टारगेट लेना है। अब टारगेट को आप ट्रेल भी कर सकते हो, वो अलग बात है ना, लेकिन आपको अपना एंट्री एसएल और टारगेट सबसे पहले डिसाइड कर लेना है, तभी जो आपको ट्रेड करना है। सो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर थर्ड की, तो हमारा रूल नंबर थर्ड ये है कि हमको कभी भी जो अपना पोजीशन ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आता है हमारा प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डीके होता है। एग्जांपल के रूप में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आपने मान लो 44,100 का सी बाई किया है 200 के प्राइस पे, सो अगले दिन मान लो आपका अगर एनालिसिस सही रहा, मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो आपका प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं करेगा। आप 10 पॉइंट ऊपर खुलोगे या 10 पॉइंट नीचे खुलेगा प्रीमियम। लेकिन अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन हो गया 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो गया, सो आपका 200 वाला जो प्रीमियम रहेगा वो 150 पे आ जाएगा। सो आपका काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा और लॉस जब आप देखेंगे तो फिर अगले दिन आप जो है उसी लॉस में जो है पड़े रहेंगे, एवरेजिंग करने का सोचेंगे तो आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन ट्रेडिंग के लिए आप जो उसको मिस कर देंगे। सो कभी भी आप अपना पोजिशन को ओवरनाइट होल्ड नहीं करिएगा। सो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर फोर्थ की, सो मेरा रूल नंबर फोर्थ ये कहता है कि हमको कभी भी अपना पोजीशन को एवरेज नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है लेकिन वो अपना स्टॉप लॉस जो है कट नहीं करेंगे, वो लॉसेस को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। ये आस में रहते हैं कि जो है चलो भी मार्केट अगले कैंडल में ऊपर आ जाएगी, हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन वो जो है आती नहीं है और वो जो है अपना लॉस जो होल्ड करके रखते हैं। फिर जब ज़्यादा लॉस हो जाता है वो पोजीशन को एवरेज करना चाहते हैं, फिर एवरेज करेंगे, जैसे प्राइस एवरेज करेंगे उसके बाद मार्केट और नीचे आ जाएगी, ऐसे ऐसे जो है उनका जो है लॉस बढ़ता जाएगा और एवरेज करते जाएंगे और धीरे धीरे एक्सपायरी तक उनको जो है होल्ड करना पड़ जाएगा उस पोजीशन को। और एक्सपायरी के दिन अगर मान लो उनकी डायरेक्शन में नहीं चला मार्केट, तो आपका जो है पूरा का पूरा जो है कैपिटल जीरो हो जाएगा। सो इसीलिए आपको जो है अपना एसएल पे जो है अपना पोजीशन कट कर देना है और उसको एवरेज करने की कभी सोचना नहीं है। सो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर फिफ्थ की, सो हमारा रूल नंबर फिफ्थ ये कहता है कि हमको कहीं भी जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, हमको दिन में केवल 2 से 3 ट्रेड ही करना है। तीसरा ट्रेड कब करना है, जब आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो तब आप तीसरे ट्रेड के लिए सोचेंगे। मान लो अगर आपका पहला ट्रेड जो है प्रॉफिट हुआ, दूसरा एसएल हो गया, तो आपको जो है ट्रेडिंग बंद कर देनी है, या फिर आपको दोनों ट्रेड में वो प्रॉफिट हुआ तो आप तीसरे ट्रेड के लिए जा सकते हो। आपको जो है 3 ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं करना है। सो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर 6 की, तो हमारा रूल नंबर 6 ये है कि जो है हमको दिन भर मार्केट को नहीं देखना है, हमको एक टाइम डिसाइड कर लेना है और उसी टाइम पर ट्रेड करना है। मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप जो है एक ट्रेड 9:15 से 11:15 के बीच में करिए और दूसरा ट्रेड आप करिए 1:15 से लेकर 3:15 के बीच में, और आपका सेटअप बने उस टाइम फ्रेम पे, आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड करना है। दिन भर आप मार्केट को देखेंगे तो आपको मार्केट दिखाएगी ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो, और जैसे ही आप ट्रेड लोगे आपका लॉस हो जाएगा। तो आप दिन भर मार्केट को देखेंगे आपका माइंड जो है खराब होगा, इससे अच्छा जो है आप 2 ट्रेड दिन में करें, एक 9:15 से एक 11:15 तक, एक 1:15 से 3:15 तक। इससे क्या होगा, आप बीच में 2 घंटे का रेस्ट भी कर लेंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे।
सो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर सेवंथ की, हमारा रूल नंबर सेवंथ ये है कि हमको कभी भी अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या फिर बड़ा लॉस हो जाता है, हमको 2 घंटे का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया है तो आपका जो है माइंड जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा और आप जो है दूसरा ट्रेड बनाएंगे कॉन्फिडेंस में और जो उसमें लॉस हो जाएगा आपका। और अगर आपका लॉस हुआ है तो भी आप 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, क्योंकि जो है लॉस होने के बाद आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा, आपको दिमाग में यही चलेगा कि हमको रिकवर करना और आप रिकवर करने के चक्कर में आपका जो और लॉस हो जाएगा। तो आपको 2 घंटे का रेस्ट जरूर लेना है बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉस के बाद। सो ट्रेडर्स, ये था हमारा 7 गोल्डन रूल्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिएगा जो लोग लॉसेस में हैं, आपके अगर फ्रेंड वगैरह कोई लॉसेस में, आप उन लोगों को वीडियो शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।